राजस्थान उदयपुर में हृदय विदारक घटना को लेकर परासिया तहसील कार्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका और देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान की गहलोत सरकार को घटना का दोषी ठहराते हुए उसे बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। करहिया के हत्याकांड की CBI जाँच करवाकर हत्यारों को मृत्युदंड दिए जाने की भी मांग की गई। वहीं परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा राशि देने का आदेश दिया जाए, ये भी मांग की गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे जिहादी हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। विशेष तौर पर जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर परजंगल व्यापारी मंडल अधिवक्ता संघ व सकल हिंदू समाज के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को परासिया से एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है, वहाँ जिहादियों का इतना मन और इतना उत्साह प्रबल है कि उन्हें हमारे हिंदू समाज के कन्हैया जी को, कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या की है, उन जिहादियों को फांसी ही मिले, ऐसा हम और साहब सरकार से निवेदन करते हैं। इतने जघन्य अपराध की यही उनकी सजा है, जिससे देश और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, आने वाले समय पे कोई ऐसा जिहादी ऐसा जघन्य अपराध न कर सके और ऐसे निरीह और समर्पित व्यक्ति को जो उनका कार्य करने वाला था, उनका कपड़े का नाप लेने वाला था, उसके बाद भी उसको ऐसा अमानवीय तरीके से उसकी हत्या की है और ऐसे हत्यारों को फांसी मिलना ही चाहिए, ऐसे हम और आप सब निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से। हम आग्रह ही, हमें विश्वास ही नहीं, हम उनसे आग्रह ही करते हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि निश्चय ही ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी। परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।